क्रेज चारों तरफ नजर आ रहा है। एनिमल का ट्रेलर जब से आया है धूम मचा रहा था, अब तो पूरी मूवी आपके सामने है। पूरा माहौल बन गया कि भाई फिल्म जो है वो बवाल है। डायरेक्टर ने पहले ही ये कहा था, कमिटमेंट कर दी थी कि ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि ऐसी फिल्म आपने कभी देखी नहीं होगी, और बिल्कुल उन्होंने वादा भी पूरा किया है। ये सबसे वायलेंट फिल्म है, यानी हिंसक फिल्म, जिसमें बहुत कुछ है। बॉबी ड्यूल का आखिरी सीन ट्रेलर में धमाल मचाता है, लेकिन बॉबी ड्यूल के नाम पर जनता को बेवकूफी बनाया गया। ये फिल्म देखने से पहले रिव्यू जरा जान लीजिए। अगर फिल्म की कहानी की हम बात करें, क्योंकि ये रिलीज हो चुकी है, ये कहानी है रणवीर कपूर की, जो अपने पापा अनिल कपूर से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन पापा रणवीर से प्यार नहीं करते। पापा पर हमला हो जाता है और फिर रणवीर की जिंदगी का मकसद हो जाता है उस कातिल को ढूंढना, और इसी मकसद पर ये फिल्म चलती है। कहानी सिंपल लग रही होगी, लेकिन इसमें बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं जो आपको थिएटर से उठने नहीं देंगे, और जिसके लिए आपको थिएटर जाना होगा। भाई चले जाइए एनिमल देखनी है तो। अब फिल्म कैसी है जरा इस पर भी बात कर लेते हैं। मसाला एंटरटेनर है, खूब सारी सीटी ताली वाले सीन है, काफी सारे मास एंटरटेनिंग सीन है। शुरुआत थोड़ी सी स्लो आपको लग सकती है, लेकिन फिर फिल्म बवाल पकड़ लेती है, और फर्स्ट हाफ में एक के बाद एक कई कमाल धमाल सीन आते हैं। ज्यादातर के पीछे लॉजिक नहीं होगा, ऐसी फिल्मों में ढूंढना भी नहीं चाहिए, लेकिन मज़ा आता है और खूब मज़ा आता है। सेकेंड हाफ में फिल्म थोड़ी स्लो हो जाती है, लेकिन फिर बॉबी ड्यूल की एंट्री वाकई गदर है। फिल्म में कुछ ज्यादा ही खून खराबा है, और कई जगह आपको लगता है कि इसे थोड़ा कम किया जा सकता था। बॉबी ड्यूल के नाम पर फिल्म को खूब प्रमोट किया गया, लेकिन बॉबी का फिल्म में उतना रोल है नहीं, लेकिन जब भी वो आ रहे हैं छा जा रहे हैं। फिल्म में फैमिली वाले एंगल को बड़े इमोशनल तरीके से किया गया है, और इससे आप फिल्म से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाते हैं, और यही कड़ी है इस फिल्म को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की। हालांकि कुछ ऐसे डायलॉग है जो महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक हो सकते हैं, उन पर बवाल भी हो सकता है, लेकिन फिल्म मेकर अक्सर सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर ऐसा कर जाते हैं। अब एक्टिंग की बात कर ले तो रणवीर फिल्म में पापा पापा करते रहते हैं, और फिल्म खत्म होते होते साबित कर देते हैं कि एक्टिंग में वो बॉलीवुड के नए पापा हैं। रणवीर ने कमाल का काम किया, उनका लुक भले संजय दत्त जैसा लग रहा हो, लेकिन जिस तरह से वो एक्शन में है, इमोशनल सीन करते हैं, वो हर फ्रेम में आपको इम्प्रेस करेंगे, बिल्कुल आपको संजू याद आ जाएगी इनकी फिल्म। ये फिल्म रणवीर के करियर के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। लवर बॉय वाली इमेज अब बाय बाय हो जाएगी। रणवीर ने KGF के रॉकी भाई को भी तगड़ी टक्कर दी है। जी हाँ, बॉबी देवल ने कमाल का काम किया, लेकिन उनके सीन कम है, बहुत कम है। वो इंटरवल के बाद आते हैं और फिल्म खत्म होने से पहले ही चले जाते हैं, ये तो धोखा हुआ, लेकिन उनका काम बहुत ही जबरदस्त है। अगर रश्मिका की बात करें, जो फिल्म की हीरोइन है, उनके किरदार को लेकर लग रहा था कि उनका ऐसी फिल्म में क्या ही काम, लेकिन रश्मिका का किरदार काफी अच्छे से डेवलप किया गया है। एक्टिंग तो उनकी जबरदस्त है ही, एक टाइम पर नेशनल क्रश थी भाई। अनिल कपूर पापा के किरदार में बहुत अच्छे लग रहे हैं, हालांकि उन्हें बूढ़ा देखने की आदत हमारी है नहीं, इस वजह से हमें थोड़ा सा उन्हें देखकर अटपटा महसूस हो रहा है, बाकी किरदार बहुत अच्छे हैं। डायरेक्शन बहुत अच्छा है, संदीप वांगा रेड्डी ने फिल्म को अच्छे से डायरेक्ट किया। फिल्म जो है वो 3 घंटे 21 मिनट की है, एंटरटेनिंग है, बहुत शानदार तरीके से फिल्म को बनाया गया है। पहले हाफ के 2 घंटे कब भी जाते हैं पता ही नहीं चलेगा, सेकेंड हाफ में लगता है कि फिल्म थोड़ी सी लंबी है, बट आपको फिल्म जोड़ के रखती है। म्यूजिक शानदार है, यानी ओवरऑल अगर आप एनिमल देखने जाते हैं तो बिल्कुल आप जाइए, हम यही कहेंगे आपसे, और इंजॉय करिए फैमिली के साथ।